हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज मैं सुबह सुबह यहाँ पे आ गई हूँ, तो ये मॉल में आई थी और ये यहाँ पे हम लोग गिफ्ट लेने के लिए आए थे फ्रेंड्स, मैं और मेरे हस्बैंड। तो गिफ्ट हमें दिखा नहीं, तो हम सबसे पहले इधर जो ब्लेज़र लगा हुआ था वो देख रहे थे, तो अच्छा प्राइस था ब्लेज़र का। उसके बाद हम लोग ऊपर की ओर आ गए, तो यहाँ पे देखिए कुर्ती लगा हुआ है। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक कुर्ती मुझे बहुत पसंद आया था, पर हम लिए नहीं थे क्योंकि अभी हम लोग कुर्ती लेने नहीं आए हैं, गिफ्ट लेने के लिए आए हुए हैं। पर फिर भी एक बार है ना पूरा राउंड लगा के देख लेते हैं, कुछ नया तो है नहीं इसी वजह से। और ये देखिए ये जो ड्रेस देख रहे हैं ये बिल्कुल मेरे साड़ी की तरह था, तो हम इसे थोड़ा अच्छा से देख रहे थे। और उसके बाद इधर प्लेट वगैरह लगा हुआ था डिनर सेट, तो डिनर सेट का काफ़ी रेट था देख सकते हैं आप लोग। और ये ना कच कड़ा का है, ये चीनी मट्टी का नहीं था। और उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, तो यहाँ पे लगा हुआ था ऑफ़र में ये डिनर सेट, छोटा था ये बिल्कुल, लगभग मतलब 6 पीस कटोरिया था और 6 पीस प्लेट और बड़ा प्लेट, इतना ही सा था। जैसे एक होता है ना और भी सामान, चमचा वगैरह वो सब नहीं था। तो हम लोग खुद से यहाँ पे निकाल के देख रहे थे, तो जैसा आप लोग कूट में जो प्रिंट देख रहे हैं अंदर में वैसा नहीं था, मतलब चेंज था डिज़ाइन उसका, दूसरा था। तो हम एक दो डब्बा खुद से फ्रेंड्स चेक कर रहे थे कि ये वाला अच्छा लग रहा था, तो हम लोग इसे भी खोल करके देखे थे। आप लोग देख सक रहे होंगे कि इसका प्रिंट जो है वो कितना अच्छा से दिख रहा है। और जब हम लोग निकाले, अभी कटोरी निकाल के देख रहे थे, तो उतना ख़ास नहीं लग रहा था मतलब। और यहाँ आप ही देखिए किस तरह का डिज़ाइन था, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद यहाँ का जो स्टाफ थे हम उन्हीं को बुला के और ये चेक करवा रहे थे, तो वो जो निकाले थे वो अच्छा था फ्रेंड्स। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि जब हमें ये गिफ्ट जो है वो पसंद आ गया था, लेकिन जब हम लोग बिलिंग कराने के लिए ले गए, तो हमें बताया जा रहा है कि जब हम 4000 का शॉपिंग करेंगे तो ये गिफ्ट पे मिलेगा, तो उसके बाद फिर हम लोग ये ना नहीं लेते हैं। अच्छा तो लगा था ये वाला, बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन इसी कारण से नहीं लिए थे क्योंकि 4000 का शॉपिंग समझ सकते हैं वो भी फालतू में। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं ये सब छोड़ के, क्योंकि ये तो अब हुआ नहीं। और उसके बाद फिर मैं दूसरे दुकान से ख़रीद के और गिफ्ट को पैक करवा के और सीधा हम लोग ना स्टेशन आ गए थे फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम हो गया था। और मैं स्टेशन आई हुई थी क्योंकि मैं मायके जा रही थी, और मायके में ही कुछ फंक्शन है जो कि मैं गिफ्ट वगैरह लेके जा रही हूँ। और ये देखिए ट्रेन जो है वो आ चुका है, तो हम लोग बैठ भी गए थे और मेरे हस्बैंड ना छोड़ने के लिए आए हुए थे, तो मैं अकेले जा रही थी सिर्फ अभी को लेके। और इधर से मेरी फ्रेंड्स भी हैं, तो वो भी उनको भी इनविटेशन मिला हुआ था क्योंकि हमारा जो मायके है वहीं से कि मेरी फ्रेंड का शादी था, तो इसी वजह से हम लोग सब स्टेशन पे ही मिलके साथ में जा रहे हैं। और अभी जो है ट्रेन जो छूटने वाली है तो वो नीचे उतर गए, उसके बाद हम लोग आ गए फ्रेंड्स हमारा जहाँ मायके है हम लोग वहाँ पर उतर गए थे। तो ये देखिए मेरी फ्रेंड्स पीछे हैं और इनके हस्बैंड भी आए हुए थे, तो वो दूसरे साइड हैं। और ये देखिए अभी हम लोग पैदल ही चल रहे हैं क्योंकि बहुत लोग थे, तो चलिए मिलते हैं घर जाके फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी है। तो मैं मिल रही हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से बिल्कुल शाम में, और अभी हमारे इधर ना बारिश हो रहा हल्का हल्का, तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड और भी जो दूसरे फ्रेंड हैं वो लोग आ गए थे, तो चलिए मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ उनसे। तो ये देखिए सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सब लोग हम लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो गए। तो मैं अपना ड्रेस जो है वो चेंज नहीं की थी क्योंकि मैं जान रही थी कि अभी फिर से घर जाएंगे फिर चेंज करेंगे इसी वजह से। और ये रहा हम लोगों का गिफ्ट, इधर रखा हुआ है लाइन बाय लाइन सबका। तो चलिए अभी हम चलते हैं, और इधर मेरी मम्मी भी तैयार हो गई थी क्योंकि हमारे घर के बस जस्ट पास में ही है, तो मेरी मम्मी लोग को भी इनविटेशन मिला हुआ था
और मुझे भी मिला हुआ था। तो ये सब देखिए, ये जो उनके घर में जाएगा वो है कपड़ा वगैरह। तो देखिए अभी हम लोग घर से निकल गए हैं फ्रेंड्स, और ये है सुनीता और पीछे से है संगीता। और अभी ज़्यादा शाम नहीं हुआ है, बस बारिश की वजह से इस तरह हो गया था, और बहुत ज़्यादा भीड़ था फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो देखिए कितना ज़्यादा भीड़ था, और मैं ना वीडियो नहीं कर पा रही थी, किसी को हटा भी नहीं सकती थी। तो देखिए यहाँ पे जो लड़का के साइड से जो आए हुए थे वो ना, मतलब कुछ सामान है या फिर पैसा है ऐसा कुछ दे रहे थे, इनका कुछ होगा जो भी। तो ये देखिए जो ये वाइट स्टोल जो लगाए हुए हैं वो है मेरी फ्रेंड और दुल्हन। तो इनका ना मतलब अभी छेका हो रहा है, शादी तो आज होगा नहीं, तो ये छेका हो रहा है। और इसी तरह से सब लोग एक एक करके आ रहे थे, और ये ना इस तरह से चावल छीट के चुमा रहे थे। तो हम लोग यही सब देख रहे थे, मतलब हर कास्ट में अलग अलग सा फंक्शन होता है, अलग अलग सा सबका नियम जो है कुछ चेंज रहता है। तो मैं तो अपने ससुराल की शादी देख ली थी, लेकिन इनके यहाँ का थोड़ा जो है हल्का चेंज है, तो वही हम लोग देख रहे थे, बहुत मज़ा आया। उसके बाद अभी हम लोग इधर चलते हैं बैठने के लिए, क्योंकि अभी ये जब दुल्हन यहाँ से उठ जाएंगे उसके बाद जो है खाना वगैरह स्टार्ट होगा। तो काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पे खड़ा थे फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं थोड़ा देर इधर बैठने के लिए। तो यहाँ हम लोग सबको बैठे हुए थे, तो मेरी फ्रेंड का जो सिस्टर है तो वो हम लोगों को नाश्ता दे रही थी, ये देखिए। तो ये है मेरी फ्रेंड्स की सिस्टर, और अभी हम लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो देखिए अभी नाश्ता वगैरह हो गया था, और अभी हम लोग जा रहे हैं। वो जो दुल्हन थी फ्रेंड मेरी, तो वो उठ गई है वहाँ से। अब हम लोग का पारी है, तो अभी हम लोग अपना अपना गिफ्ट जो है वो दुल्हन को पकड़ा देते हैं। तो ये देखिए, और बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये, और शादी होने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लगेगी, देखिए। और हम लोग सब जितने भी फ्रेंड्स आए थे तो सब हम लोग ये गिफ्ट वगैरह सब देख के, उसके बाद एक दो फोटो सेल्फी ये सब हो रहा था, सब अपने अपने मोबाइल से ले रहे थे। तो कोई बोल रहे हैं तुम मेरा ले लो, तुम मेरा ले लो, ऐसी सब आवाज़ कर रहे थे, मतलब चिल्ला रहे थे बहुत ज़ोर से कि मेरा मोबाइल से खींचो, मेरा मोबाइल से खींचो। तो यही सब था फ्रेंड्स, और अभी हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए सब लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो जब तक हम लोग खाना लिए ना तो पीछे से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था। और अभी राज खड़ा है, उसके बाद ये देखिए जब इनका जो मतलब लड़का पार्टी का जो थे जो भी लेडीज जेंट्स वो लोग जा रहे थे, तो एक बस तो पहले चला गया, लेकिन जो अपने फैमिली में थे जैसे कि लड़का की माँ और चाची मौसी ये सब, तो वो लोग यहाँ पे ना कुछ अपने मतलब अपना भाषा में कुछ गाना वगैरह गा के यहाँ पे डांस कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे सब लोग मतलब डांस कर रहे हैं, समधी भेंट जो होता है वो कर रहे थे, और भी पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। उसके बाद यहाँ साइड में ना मतलब पुआल रखा हुआ था, जो धान वाला जो पुआल होता है वो रखा हुआ था, तो उसे भी जला के मतलब इनके यहाँ ना विदा होने के टाइम में कुछ इस तरह से किया जाता है। तो ये हम लोग देखने के लिए आए हुए थे, क्योंकि
इस तरह से हम लोग ऐसा शादी मतलब पहली बार देख रहे थे कि कैसा कैसा नियम वगैरह होता है, हर लोगों का अलग अलग होता है, तो वही देख रहे थे। तो देखिए अभी जो ये पुआल जो है वो जल गया है, देख सकते हैं आप लोग धुआं उठ रहा है कितना ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा भीड़ था। और यही आग में जब ये हल्का आग कम हो जाएगा तो पांच, या देखिए इस तरह से लांग रहे थे 3 या 5 बार, तो देखिए कितना ज़्यादा लहर रहा था और ये उछल उछल के दौड़ रहे थे। उसके बाद और भी 2-4 लोग ना सब ऐसी मतलब पार होते हैं, इनका होगा कोई कुछ वैसा नियम वगैरह। तो ये देखिए यहाँ पे लेडीज़ लोग भी हैं जो वो भी इसी तरह से दौड़ रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, ये मतलब मेरी फ्रेंड्स के यहाँ का ये जो फंक्शन वगैरह था वो बहुत अच्छा लगा। और आज शादी नहीं था फ्रेंड्स, आज छेका था, तो वो लोग ना छेका करने के लिए आए हुए थे। और ये देखिए ये लास्ट जो है वो ख़त्म हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।